तो चलिए जी दोस्तों, तो हेलो दोस्त फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव, और आज हूँ आपके लिए एक जो कि आपका आबकारी का पेपर हुआ था उसको सोल्व करके लेकर। तो दोस्तों रीजनिंग आप खुद कर लीजिए, रीजनिंग का जो कि मैंने नहीं किया, बाकी इसमें मैंने आपका हिंदी जीएस और आपका जो कि कुछ सोल्व किया। अगर कुछ क्वेश्चनों में कोई गलती होती है तो आप मुझे क्षमा कर सकते हो। तो देखिए, दोपहरा का बटोई छेल बैठ जाए, इसकी किसका गीत है? तो देखिए, यह हमारा जिसमें ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र सिंह ने जी किया, बिल्कुल सही किया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसने एनईए किया है, ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही किया है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि सूची वन और सूची टू को आपको मिलाना है। तो देखिए, इसमें क्या है आपका सूची वन को, तो देखिए आपको किस प्रकार से इसको सूची वन और सूची टू से मिलाना था। तो देखिए इसमें आपका, तो इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मनोरंजक के लिए आपका संस्करण लिखा जाता है। बाकी आपका जो कि बाकी बात की जाए तो आपका संस्करण आपका किसी संस्था द्वारा लिखी जाती है, और आपका किसी समारोह या उत्सव के लिए आपका विशेषांक लिखी जाती है, और मुख्य फीचर जो कि आपका दो का जो कि आपका फीचर ही आपका होता है, या समाचार क्या संपूर्ण प्राप्तियाँ या छिपी आपकी पत्रिका इसमें यह होती है। बाकी आप चलिए जी, अगला क्वेश्चन है प्रयोगघातिक शब्द, प्रयोगैतिहासिक शब्द का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ जिन्होंने ऑप्शन नंबर एक मारा है, बिल्कुल सही मारा है, कर्मबुद्ध इतिहास में पूर्व काल का। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है, तो हमारा जो कि विदेशी उपसर्ग इसमें हो जाएगा, जो कि विदेशी उपसर्ग जिन्होंने जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जो कि इसमें से आपका नी भी होता है, बिन भी होता है और बी भी होता है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारा है, बिल्कुल सही मारा है। बाकी देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो हमारा विद्या जो कि तद्भव शब्द है। बाकी आपका ये मूसा मूसू के लिए हिंदी के लिए शब्द है, तो ये क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हिंदी के लिए क्या है, चूहे होते हैं, ये गढ़वाली भाषा के शब्द है मूसा मूसू मूसू। निम्नलिखित में से अर्ध विराम है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारा, बिल्कुल सही मारा है। तो चलिए जी, हमारा नौवां क्वेश्चन है कि आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, उथे का अर्थ है उस तरफ, यक का अर्थ है यहाँ, निश का अर्थ है जो कि नीचे होता है जो कि ऊपर नहीं होता, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारा है, बिल्कुल सही मारा है। असत्य कथन इसमें यही है, ऑप्शन नंबर सी, निशा का अर्थ आपका नीचे होता है गढ़वाली में। तो चलिए जी, हमारा ध्वनियों के परस्पर मेल को क्या क्या बनते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि वर्ण जो कि ध्वनियों के परस्पर मेल से बनते हैं। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि अब इसमें से हमें सूची ए को सूची टू से मिलाना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो कि 11 का बी, मराठी जो कि हमारी देवनागरी में लिखी जाती है, जो कि उर्दू आपकी बात की जाए तो उर्दू की बात की जाए तो आपका फारसी में, फ्रेंच आपकी होती है रोमन में, और बाकी पंजाबी आपकी गुरुमुखी में, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारा है, बिल्कुल सही मारा है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है तो परारोपण शब्द का प्राय है, तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि उपरोक्त सभी है, आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार कराना भी होता है, और ड्राफ्टिंग भी जो होता है। अब देखिए, निर्मला जो कि आपकी झाड़ू मारती है, इस वाक्य के आधार का निम्नलिखित में से सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस उद्देश्य में वाक्य में उद्देश्य परंतु विधेय नहीं है। तो चलिए जी, थारवाड़ू क्षेत्र कहलाता है, तो हमारा जो कि थारवाड़ू क्षेत्र कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, हटीमा और सितारगंज। तो चलिए जी, मुसे केवल गौ गौ और बिरावी खेल लोकप्रिय क्या है, मुसे केवल प्राण और बिरावले खेल, तो मुसीबत बड़े व्यक्ति को संकट में होना, परंतु अन्य व्यक्ति उसका जो कि मजाक उठाता है, तो ये इसका राइट है। हिंदी में नासिक व्यंजन होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पांच हिंदी में जो कि नासिक व्यंजन होते हैं आपके, पांच ना झाड़ाना जो कि आपके पांच नासिक व्यंजन होते हैं। तो अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, तो चलिए जी, जो कि 17वां क्वेश्चन था कि नो क्वारी ब्याह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो क्वारी ब्याह, ब्याह का मतलब होता है विवाह, और क्वारी क्वारी मतलब कुंवारी, गांव में कुंवारी कन्या का विवाह होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही मारा है। अब चलिए जी, हमारा 18वां क्वेश्चन है, जो कि 18वां क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची हमारा इससे मिलाना है, तो देखिए हमारा जो कि तेमणे होता है, जो कि हमारे कहाँ पहना जाता है, तो तेमणे हमारे गले में पहना जाता है, धागुला हमारे कलाई में पहना जाता है। बाकी बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर हमारा जो कि बी हो जाएगा, जो कि कनफूल हमारे कान पे, बाकी हमारे जो बुलाक को पहनी जाती है वो नाक पे, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही मारा है। अब चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो इनकी कामिनी भी है, लहर भी है, आंसू भी है, अरणिमा जो की नहीं है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारा है, बिल्कुल सही मारा है। अब चलिए जी, जो कि इसका जो कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें हमने क्या करना था, विलोम शब्द मिलाना था, तो देखिए उदय का अस्त, ई का अनय, खंडन का हमारा होता है मंडन, जो कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही मारा है। अब चलिए जी, अगले क्वेश्चन है, अभी किसवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो
21वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन इसमें डाउट है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो कि गले में धारण नहीं किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गले में तुग्याल नहीं पहना जाता है, बाकी आपका गुलबंदू पहना जाता है, तिलेरी और लॉकेट तुग्याल जो कि कानों में पहना जाता है। सूची अब इसको मिलाना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तुंगनाथ हमारा रुद्रप्रयाग में है, जो कि हाट कालिका की बात की जाए तो हमारा तुंगनाथ हाट कालिका मंदिर भारत तोड़कर गोलदेव तक अल्मोड़ा यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में हो गया। तो ये हमारा इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अमरनाथ के सदृश जो कि प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान में, तो टिम्बरसेन महादेव में जो कि मिलता है। अब सूची एक दो को मिलाना था, तो हमारा राइट आंसर जो कि 24वां क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, और दोनों सही है परंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है। तो चलिए जी आप 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तराखंड तो ये आ रखा है आपका उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य चार लक्ष्यों में से इनमें से कौन सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर सतत विकास है, सामाजिक विकास है, पर्यावरण स्थिरता है। जो नहीं है तो हमारा राइट आंसर हो जाना था नव परिवर्तन। तो अब देखिए थाप नाट जयंती क्या है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, नृत्य के प्रकार भी हैं, ये चित्रकला थाप जो इसमें मूर्ति मारती बनाई जाती है, तो इसको आप कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें चित्रकला नृत्य में इसमें डाउट है। तो चलिए जी अब इसमें हमने हम क्वेश्चन नंबर 27वां देखना था, तो क्वेश्चन नंबर आपको पता होगा इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 27वां क्वेश्चन का जिन्होंने अपना सी मारा है, बिल्कुल बी सी मारा है, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए 27वां क्वेश्चन है जो कि भोटिया जनजाति, इसको मिलाना था, तो हमारा जो कि इसका जो कि बन रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। तो देखिए भोटिया हमारे होते हैं चमोली उत्तरकाशी में, बाकी बात की जाए बोक्सा की बात की जाए तो उधम सिंह नगर नैनीताल में, तो इसका दो की राइट आंसर हो जाएगा। जौनसारी की बात की जाए तो आपका ये हो रहा था ऑप्शन नंबर, तो हमारा जो कि इसका बन रहा था ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बन रहा था नैनीताल, इसमें सी का हमारा ये बना था। बाकी बात करते हैं आप हमारा जो कि डी का था, इस हिसाब से हमारा जो कि बना था बॉक्स इसमें, तो इसको मिला लीजिए। बाकी प्रसिद्ध कवि जो कि लोकतंत्र पत्र गुमानी पंत का नाम देकर, तो राजा गुमान सिंह ने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी ये देखिए निम्नलिखित, तो अब चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक घाटी का प्रकार नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी जो कि लोहागाड़ निम्नलिखित। आप ये देखिए ये आपको मिलाना था जो कि सुगंध पौध उत्कृष्टता केंद्र शिला का इधर एरुमा पार्क काशीपुर मिर्ज का, तो इसमें से हमने मिलाना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो कि पूरे हैं सभी, 1 2 3 सब सारे ये जो कि सही हैं। बाकी हमने क्या करना था, तो डोबरा चांडी पुल जो कि उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है, तो इसका जो कि हमारा राइट आंसर बन रहा था जो कि ऑप्शन नंबर 31 का जो कि ऑप्शन नंबर ए, ए और दो बीनो सही है, टिहरी झील के ऊपर बना है, बाकी आर ए का स्पष्टीकरण है। डोबरा चाटी पुल जो कि उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है या टिहरी झील के ऊपर बना है। बाकी देखिए वाद शिव का पुत्र था और सष्टानंद भी कहलाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि कृत्य के। बाकी ये देखिए नीति आयोग द्वारा जो कि सतत विकास सूचकांक एसडीआई 2021 में, तो इसकी रैंक हमारी 15वीं रैंक भी थी, सतत विकास सूचकांक पूछा गया है, बाकी चार भी इसमें हो सकता है क्योंकि एसडीआई लिखा, लेकिन अगर हम जारी सतत विकास 2021 की रैंक देखें तो 15वीं रैंक भी थी, 13वां इसमें गलत दे रखा, इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों। बाकी उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ मंदिर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि रानी खनेती ने। बाकी हमको ये मिलाना था नंदा देवी बाईस पर, तो इसमें भी आपने कूट मिलाने थे, तो 35 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी हमारा कहाँ हो जाएगा, तो नंदा देवी हमारा जो कि गोविंद विहारा बी का ये माना था हमारा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 35 का जो कि राइट आंसर हो रहा था जो ऑप्शन नंबर, तो देखिए नंदा देवी बाईस पर हमारा चमोली में ए, बाकी जो कि गोविंद बिहार हमारा जो कि उत्तरकाशी में इसका बी, बाकी विंसर की बात की जाए तो अल्मोड़ा में और केदारनाथ, तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला बन रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन रहा था दोस्तों इसमें। तो बाकी बात करते हैं हमारा पादरी रिवरेंट वेटर मशीनरी गतिविधियां किसने प्रारंभ की थी, तो 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि अल्मोड़ा से प्रारंभ हुई थी। बाकी देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ी, देखिए खुदेड़ गीत जो कि वसंत ऋतु में, बिल्कुल सही है, कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ गीत को नराई कहता है, बाकी गढ़वाल में नाच का महीना भी कहा जाता है, बाकी वसंत में ये क्या, बाकी इसमें जो कि राइट आंसर जो कि हमारा 37 का जो कि बनना था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि
खुदेड़ गीत बसंत ऋतु को होता है, दो हमारा खुदेड़ू जो कि नाच का महीना बनता है, बाकी चार फूल दे जो कि बसंत ऋतु की संक्रांति को, जो कि ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हमारा सही इसमें बना था। बाकी उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प जो कि हिमाद्री नाम से बाए जाते, रमान मुख्यतः, तो देखिए 39 का हमारा क्या बना था, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही है। बाकी 40 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से सुदर्शन शाह का राज कवि एवं धर्म अध्यक्ष था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिदत्त शर्मा। अब देखिए इसमें क्या मिलाना था, तो 48 का हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर बी जो कि रक्षाबंधन ऋषि तर्पणी, बाकी देवांगन हमारा सप्तकुंड, और हमारा नंदा देवी की बात की जाए तो राजजात यात्रा, और 3 हमारा तीसरा का चौक हमारा जो कि सिरमुख पर्वत है, तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अद्वैत आश्रम मायावती आश्रम का संबंध में से कहाँ से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि लोहा घाट से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में ज़्यादा होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो कि चावल। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में पंच केदार में नहीं है, तो बूढ़ा केदार नहीं है। बाकी ये जो कि सूची ए को सूची बी से मिलाना था, तो हमारा 45 का जो कि राइट आंसर जो कि बना था ऑप्शन नंबर ए जो कि नर नारायण श्री बद्रीनाथ के पास, बाकी उलूपी हमारा अर्जुन के पास, वासुकी की बात की जाए तो समुद्र मंथन, बाकी कालिया का कालिया नाग जो होता है हमारा शेमुकोई में होता, ऑप्शन नंबर ये बना था इसका। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो हमारा 46वां क्वेश्चन को जो कि राइट आंसर हो जाएगा गंगनाथ सुद्रों का प्रसिद्ध देवता बिल्कुल सही, क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता बिल्कुल सही है, चोमू जो होता है पशुओं का रक्षा और नाश बिल्कुल सही है, बाकी हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा हुरु जो कि शिकार का देवता नहीं है, तो हमारा 46वां का राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट इन्वेस्ट 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का हिमालय राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि प्रथम स्थान जो कि था। तो आप देखिए इसमें से सही नाम मिला था जो कि काशीपुर गोभीषण का है, देवप्रयाग देवनगर है, अल्मोड़ा का खगमूर कोटा है, बाकी गोपेश्वर का इसमें गलत है, बाकी गोपेश्वर का आप गोथिल है, तो ये हमारा गोथिल इसमें गलत है। आप चलिए जी अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव से बना अध्यक्ष अंग्रेजी अपनी 4 बटालियन नेपाल आक्रमण को भेजी गई, तो उनमें से किस बटालियन का नेतृत्व किया, तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर होने का जो कि ऑप्शन नंबर बी मेजर जनरल हटसन है। उत्तराखंड में टिहरी रियासत के शासक ब्रिटिश कैंपियन ऑफ इंडिया तो कीर्ति शाह को दिया गया। आप देखिए जो किस प्रकार बहुत ही टफ पेपर बना रखा है क्योंकि इसमें करंट अफेयर बाकी तो सही दे रखा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। मेगा इंस्टीट्यूट 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना था, यह नीति 31 मार्च 2025 तक आपका प्रभावी रही। आप देखिए इसमें से क्या मिलाना था, इसमें आपका जो कि मंदिरों को मिलाना था, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोटाबाई की माई जो कि हमारा हो जाएगा बैजनाथ में, बाकी छालदेव को पोकर द्वारहाट में, बाकी फोटो मायरा जो कि अल्मोड़ा में, पुराना दरबार हमारा टीरी में जो कि उसका ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 1 जिला 2 उत्पाद एओडू योजना के अंतर्गत निम्न में से उत्तरकाशी जो कि उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए, तो उत्तरकाशी किसके लिए चयनित किया गया था, तो हाल ही में ऊनी हस्तलित व सेब ज़्यादा होते हैं उत्तरकाशी में, इसलिए स्नेहा राणा का संबंध है, तो स्नेहा राणा का जो कि संबंध है जो कि क्रिकेटर हैं ये एक, तो चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना था, धार्मिक केंद्र इसमें से आपको मिलाने थे, तो इसमें से क्या मिलाने थे हमारा जो कि 58 का हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि धार्मिक केंद्र हमारा ऋषिकेश जागेश्वर है, बाकी पर्यटन स्थल ओली मशहूरी रानीखेत है, पूर्व शासकों की राजधानी की बात की जाए तो हमारा श्रीनगर कीर्तिनगर अल्मोड़ा है, बाकी व्यापार मेला हमारा गोचर बागेश्वर जोलजीबी में लगता है। बाकी निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना था, तो औद्योगिक विकास अप्रैल 2017 से उत्तराखंड में लागू हुई या योजना मार्च 2027 में समाप्त हुई, तो 59वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। बाकी ये देखिए निम्नलिखित में से कौन से पुरावेश का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है, तो पुरावेश का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेरागण मंदिर समूह, जिसका समूह श्रीनगर गढ़वाल से नहीं, बाकी केशवर मेट का है, शमशाही बागवान का है, कश्मीरी हाट का भी है। आप देखिए रीजनिंग आपका लीजिए, बाकी मैं आपको करंट इसमें जी के पूरे करा दूंगा। आप देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रखा है एक,
कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रखा है कि एमएस वर्ड में लेआउट का डिफरेंट जैसे तो प्रिंट लेआउट होगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टान है, तो हमारी प्राथमिक चट्टान कौन होती है? जब पृथ्वी पर जो कि हमारे पेंजे आता है दो गोंडवाना लैंड जो उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें सबसे पहले किसकी हुई थी? तो अग्नेय चट्टानों से, जो कि प्राथमिक चट्टान कौन सी है? अग्नेय। तो देखिए किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी बल्ब के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वान करेंट प्रेस जो कि आया था, जो कि लॉर्ड रिटन के रिपन के समय आया था। तो इस नियम अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो इसका जो कि हमारा राइट आंसर जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि इसका जो कि राइट आंसर 74 का बनना है, 74 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो कि केवल एक ही कथन जो कि ये अधिनियम इसमें आया, बाकी स्वतंत्रता नहीं देना था भारतीय पत्रकारिता को इस अधिनियम ने, जो कि समाप्त करने की योजना थी। आप देखिए सूची ए को सूची दो से मिलाना था, तो प्रथम अनुसूची में आपके प्रथम अनुसूची की बात की जाए तो इसका जो कि 75वां क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाना है, 75 की बात की जाए दोस्तों, तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो किस प्रकार से इसमें मिलाना था, तो आपको पता ही होगा कि प्रथम अनुसूची में हमारा कौन से आते हैं, तो प्रथम अनुसूची में हमारे आते हैं जो कि एक प्रथम अनुसूची की बात की जाए तो राज्य और राज्य संघीय इसमें आते हैं, बाकी इसकी बात की जाए तो हमारा जो कि इसका राइट आंसर हो गया बिल्कुल सरल क्वेश्चन है 1, 3, 4 ग्यारहवीं अनुसूची की जो कि पंचायती राज से, 10वीं हमारे राज्य वो 8वीं अनुसूची की जो कि भाषाओं से संबंधित है, इस प्रकार से आपको इसका मिलाना था। आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया रखा है कि निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन बनने के लिए निर्वाचन का मंडल का भाग नहीं होता है, निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 76 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो कि भाग नहीं है, मंडल का भाग नहीं होता है। बाकी AI टूल ChatGPT तो देखिए किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है, तो OpenAI की यह कंपनी है। अब चलिए पश्चिमी घाट को, तो इसका राइट आंसर हो गया, पश्चिमी घाट तो पता होगा आपको, सह्याद्री किसे कहा, किस हिमालय को पश्चिमी घाट कहा जाता है, तो सह्याद्री को कहा जाता है। आप देखिए निम्नलिखित में से बैंक मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री की योजना के 2020 में की गई, मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत किए गए, तो इसमें हमारा जो कि मिलाना था तो 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, बाकी पहले वाला बिल्कुल गलत है। आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर कार्य करता है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे वेब वेबसाइट से, इसमें ब्लॉक ईमेल है, तो इसमें रैमसियर, तो इस पर जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है, तो हमारा 83 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत ढांचा नहीं है, बाकी कौशल प्रशिक्षण भी है, स्वास्थ्य पर व्यय भी है और शिक्षा पर आपका व्यय भी इसका होता है। अब देखिए इसमें क्या करना था, अब ये मौर्य काल का क्वेश्चन आ रखा है, मौर्य काल में आपने पढ़ा होगा, तो इसका 84 का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 84 की बात की जाए दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, तो ए सीताध्यक्ष होता है, तो कोषाध्यक्ष होता है, बाकी बात की जाए तो जो कि सीताध्यक्ष सॉरी सन्निधत्त होता है, आबकारी विभाग होता है, सीताध्यक्ष हमारा राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता है, बाकी बात की जाए दोस्तों जो कि सुराध्यक्ष हमारा आबकारी विभाग का होता है, और पीताध्यक्ष की बात की जाए तो माप बार माप विभाग का अध्यक्ष होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि 84 का ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आप सम्मिलित आपका बैंक दर जो कि 85 की बात की जाए तो हमारा कौन सम्मिलित है, बैंक दर जो कि मौद्रिक नीति, बैंक दर मौद्रिक नीति में आती है, कर जो कि राजस्व नीति में आती है, और रेपो दर जो दो और तीन हमारा जो कि एक और दो हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए बहुत सारे नीति आयोग 86 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी केवल कथन दूसरा गलत है, नीति आयोग का कार्य केंद्रित योजना को बढ़ा देने, बाकी ये गलत है हमारा। आप देखिए एक ही वेब पेज पर बार बार आने के इंटरनेट उपभोक्ताओं उपभोगकर्ताओं की वेबसाइट पर प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के उपयोग जो कि एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल की जाती, तो कौन सी की जाती, तो कुकीज़ देखते होगे, आप गूगल चलाते होगे तो आपका ऊपर आता है कुकीज़, ये आपका जो सर्च हिस्ट्री होती है इसमें ही होता है। बाकी बात की जाए तो 88 का हमारा 88 का राइट आंसर क्या हो जाना था, डब्ल्यू, तो 88 की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो देखिए ऑप्शन नंबर WTO क्या है, तो मुक्त व्यापार है, बाकी बी RBI क्या है, तो बैंक दर निर्धारित करता है, बाकी
एमएसपी हमारा कृषि विपणन के लिए एमएसपी दो का वो गरीबी हमारा क्या होता है, मुक्त व्यापार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका 88 का। अब देखिए समतल घाटियां जिन्हें दून भी कहते हैं, तो देखिए ये आपने परीक्षा वाणी उत्तराखंड परीक्षा वाणी में भी पढ़ा होगा, तो किसको कहा जाता है, तो शिवालिक एवं टोंस नदी के मध्य जो कि आपका कहा जाता है। अब देखिए 90 की बात की जाए, नई, तो दोस्तों इसमें समतल शिवालिक और समतल इसमें होता है। नई औद्योगिक उत्पादन सूचक 2011-12 की संकलन में किस कोर सूची में शामिल किया गया, तो इसका जो कि टफ क्वेश्चन है, इसमें जो उर्वरक भी हो सकते हैं रासायनिक, तो इसमें डाउट है। बाकी बात की जाए तो आपको सम्मिलित युग्म जो कि सही आपको चुनना था, तो आपका सही सही क्या बनना था इसमें, तो 98 का हमारा जो कि सही, तो असमानत कहाँ है आपका, तो असम है। सिमली फॉल की पश्चिम बंगाल, सुंदरबन भी आपको वही है, पाना भी आपका वही है। बाकी आप देखिए 92 का, आप देखिए अब इसमें क्या करना था आपने, तो इसमें सीधे आपने मिलाना था लोक नियोजन का अधिकार, शिक्षा की बात की जाए तो एक चीज़ के, तो इसका जो कि सरल सर आपको एक ही, अगर आपको एक क्वेश्चन आपको सही आना था, तो देखिए अनुच्छेद 16 हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर होता है। बाकी अप्रत्यक्षता का किस में होता है, तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 किसकी बात करता है हमारा, जो कि दो किसमें, अनुच्छेद 18 हमारा जो कि बात करता है हमारा उपाधियों का अंत कहते हैं। बाकी अनुच्छेद 21 का ए की बात की जाए, तो शिक्षा का अधिकार, जो कि कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक अगर आपके सही बन रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि राइट आंसर बनना था। आप देखिए निम्नलिखित में से भारत के उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री कौन कौन से रहे हैं भारत के, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो है, तो जो कि मोरारजी देसाई रहे हैं, जगजीवन राय भी रहे हैं, चंद्रकांत भी रहे हैं, बाकी चंद्रशेखर नहीं रहे हैं, चंद्रशेखर नहीं रहे, ये कुछ मंत्री रहे हैं, चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह आप करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जो कि ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए एक ऑपरेटिंग किसी व्यक्ति को प्रतीक को आइकॉन ऑपरेटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में संक्षेप बनाता है, तो इसका 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल सम्मिलित होते हैं, तो कहाँ के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य दोनों प्रकार के। आप देखिए भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है हमारी कृषि क्षेत्र में ज्यादा से पाई जाती है। आप देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है, आप ये युग्म खरीफ की फसल, तो आपका 97 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मिश्रित फसल इसमें नहीं होती है, इसमें मिश्रित फसल कृषि उत्पादन के लिए इसमें नहीं होती, घुमंतु होते हैं, बाकी रबी की फसल ये होती है आपकी, खरीफ की भी होती है जायज की, बाकी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें लोथल क्या है, अब इसको मिलाना था आपने, तो आपने पता पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये वाला चैप्टर आपने बना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में क्या मिला, तो लोथल की बात की जाए तो हमारा पौधगा मिला इसमें, लोथल की बात की जाए तो इसमें हमारा 98 की बात की जाए तो लोथल पोत। कालीबंगन से हमारे क्या मिले हैं, तो हमारे काली जोता हुआ हल। धोलबीरा की बात की जाए तो हमारा हड़प्पा कालीन लिपि मिली, बाकी बनवाली से हमारा हल की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि 98 का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो कि 99 की बात की जाए तो इसमें आपका स्पष्टीकरण है जनसंख्या में कार्यशील है, ए और दो बी सही है, तो इसका जो कि 98 का तो कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी, इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों। बाकी 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय उत्तरी अटार्टिक के संधि संगठन नाटो का सदस्य कौन बनाए, तो आपको पता होगा नाटो का सदस्य आपका बनाए फिनलैंड। तो दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलती होगी, रीजनिंग आपका लीजिए, अगर कुछ गलती होगी होगी तो कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया तो आप कमेंट कर सकते हो, तो दोस्तों गलती सबसे होती है। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए, और कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ आपकी बाद में बनेंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय जय।